हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांशु गौतम ऑफिशियल। आज मैं आपको नेट की साड़ी वेयर करना बताऊंगी। अगर आपको फ्री पल्लू में नेट की साड़ी पहनना पसंद है लेकिन आपका जो टमी है वो दिखता है, बहुत सारी गर्ल्स को अपना टमी दिखाना पसंद नहीं है, तो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊँगी किस तरीके से आप अपने जो टमी है उसको हाइड कर सकते हो फ्री पल्लू में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये नेट की बहुत प्रिटी सी साड़ी ली है, पर्पल कलर की है, बहुत सुंदर सी है और इसको मैंने मीशो से बाय किया हुआ है, बहुत प्रिटी सी साड़ी है। तो यहाँ पे मैंने पेटीकोट एंड ब्लाउज वेयर किया है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ राइट हैंड साइड में आपको जो इसकी नॉट है वो टक करनी है, बांधनी है, बिकॉज ये नेट की साड़ी हमने ली है तो वो क्या है हाइड नहीं हो पाती है, वो दिखती है। तो आपको जो नाड़ा होता है ना वो आपको राइट हैंड साइड में एकदम टाइटली आपको बांधना है। और अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं पे भी तो सबसे पहले आपको अपनी हील्स वेयर करनी है, उसके बाद ही आपको साड़ी ड्रेप करनी है। ऐसा नहीं करोगे तो जो साड़ी है वो ऊंची हो जाएगी बाद में, अगर आप कोई भी हील्स पहनते हो तो पहले ही कोशिश कीजिए, पहले ही आप हील्स पहनिए उसके बाद साड़ी को वेयर कीजिए। सो यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी नेट की साड़ी है, पर्पल कलर की और पूरी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको पहनना है। तो सबसे पहले आपको जो एंड वाला पार्ट होता है उसको लेना है और आपके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है। और यहाँ आप देख सकते हो यहीं पे मैंने इस नॉट को बांधा है, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी जो फर्स्ट राउंड को। तो उतनी लेंथ रखूँगी जितना मैंने हील पहना हुआ है, हील यानी जो फ्लोर है उससे टच करते हुए आपको साड़ी को ड्रेप करना है। तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से मैं एक राउंड कम्प्लीट कर लूँगी टाइट फिटिंग के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है क्योंकि अगर आपको बैठने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ना फटने का भी डर है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट और नेट की साड़ियाँ होती हैं तो बहुत हल्की फुल्की सी रहती है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइटली इसे खींचना नहीं है, एक राउंड आराम से एक इसको ड्रैप करना है। तो ये आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक राउंड कम्प्लीट कर लिया है। अभी चलते हैं सीधा हम पल्लू पे, तो आपको आराम आराम से ही इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए ही इस पल्लू पे आना है, नहीं तो वो ना इधर से उधर उलट पलट हो जाएगी, आपको डायरेक्ट नहीं पकड़ना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो हमारा पल्लू है इसको पीछे से घुमाते हुए ना एक राउंड आगे की साइड में लेके आऊँगी घुमा के, क्योंकि अभी हमें पल्लू बनाना है तो हमें अपने शोल्डर पर लेफ्ट में ही डालना होता है। तो आपको पता ही होगा कि लेफ़्ट में डालने के लिए आपको एक राउंड कम्प्लीट बैक से घुमा के लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको रैंडमली इस तरीके से गैदर करूँगी और अपने शोल्डर पे डालूँगी क्योंकि हमें फ्री पल्लू में पहनना है। तो मैं यहाँ पे फ्री पल्लू में अपना मेजरमेंट ले रही हूँ, मुझे कितना पल्लू चाहिए। तो मैं इसका जो पल्लू है फ्री पल्लू में जैसे हम पहनते हैं तो थोड़ा सा फ्लोर को टच करते हुए ही जो पल्लू हमारा लटक के आता है वो फ्लोर को टच करते हुए अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब नी जो है हमारी नी से मैं लंबा ही रखूँगी। और एक और चीज़, जब आप लंबा पल्लू रखते हो तो आपकी जो हाइट है ना वो भी बहुत अच्छी खासी दिखती है, लंबी दिखती है। तो आपको कोशिश करनी है आपको जो पल्लू है वो लंबा रखना है। तो यहाँ पे मैंने, आपने देखा भी, मैंने जो अभी मैंने पल्लू वापस से लिया था वो उलट पलट हो गया था। तो आपको किस तरीके से करना होता है, यहाँ पर क्या करना है आपको इस तरीके से ऊपर से लेना है पहले, उसके बाद ही आपको नीचे से प्लीट्स को बनाना होता है, जो हमारी फ्रंट की जो प्लीट्स होती है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही आपको फैब्रिक के पास में आना होता है। अगर एकदम से आपको प्लीट्स को पकड़ना है तो वो ना उलट पुलट हो जाएगी, आपका जो पल्लू है वो उल्टा पुलटा हो जाएगा। सो ध्यान रखना है आपको, आराम से करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने प्लीट्स को बना रही हूँ और सामने की प्लीट्स मैं बनाऊँगी अभी। तो इस तरीके से फैब्रिक को मैं बैक से या सामने की साइड में ले आई हूँ। कमर पे फिटिंग लाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देना पड़ेगा हल्का सा। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से सेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से पकड़ूँगी हल्का सा, और जो यहाँ पे प्लीट्स आ जाएंगी हमारे पैर के पास में तो ये बहुत सुंदर सी लगती है, एक अट्रैक्टिव लुक आता है पहनने के बाद में, तो बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा साड़ी के फैब्रिक को पकड़ूंगी कॉर्नर को, वहाँ पे मैं ट्विस्ट करूँगी और अंदर टक कर दूँगी। तो अंदर आराम से टक हो जाएगा, उसके बाद जो प्लीट्स आएंगी ना वो बहुत सुंदर लगेंगी सामने से। आप देख सकते हो हल्की हल्की चुन्नटें आ जाती है ना साइड से, ये आपके लुक को और ज़्यादा एनहेंस करती हैं। सो आपको इस तरीके से पहननी है। अब चलते हैं हम प्लीट्स बनाने के लिए। तो मैं बहुत थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी वहाँ पे प्लीट्स के पास में बनाने के लिए। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बहुत 2-3 इंच का मैंने गैप रखा होगा प्लीट्स में, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है प्लीट्स को बनाना।
तो यहाँ मैं ऐसे छोटी छोटी प्लीट्स ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है साड़ी का, तो कम से कम 4 प्लीट्स मेरी बनी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनी इस नेट की साड़ी में। तो ये कुछ इस तरीके से बन गई, लेकिन अभी क्या है यहाँ ऊपर से सेटनी हो रही है। तो आपको क्या करना है, फ्रंट की प्लीट को ही बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना होता है। अगर आपकी फ्रंट की प्लीट अच्छी नहीं होगी तो आपकी साड़ी बिल्कुल ख़राब दिखेगी। तो आपको क्या करना है, जो फ्रंट वाली जो प्लीट है ना, वो 2 प्लीट आपको कम से कम निकालनी पड़ेगी ये इस तरीके से, और मैं इसको 1 प्लीट बना के अभी ऊपर इस तरीके से रखूँगी। तो अभी जो हमारी ऊपर से है ना, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से दिखेगी ऊपर वाली जो प्लीट है, क्योंकि ऊपर से ही हमारा जो लुक है वही दिखता है सबको। ऊपर की ही प्लीट अगर आपको ख़राब दिखेगी आपकी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी साड़ी। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लीट्स को बना लिया है, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, टक कर दूँगी अंदर की साइड में। फ्लोर को टच करते हुए ही आपको अंदर टक करना है, पहले नीचे देख लेना है कि हमारी जो लेंथ है साड़ी की अच्छे से नीचे तक पहुंच रही है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपने उसको टक कर लिया और आपकी जो लंबाई है ऊपर लटक रही है, आपके सैंडल दिख रहे हैं, हील्स दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, भद्दा लगता है जब आप इस तरीके से पहनते हो। तो बिगनर्स आप प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप ड्रेप करो तो आपको क्या करना है, फ्लोर को टच करते हुए पहननी है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक सेफ्टी पिन लूँगी, इसको सिक्योर कर दूँगी, क्योंकि अगर साड़ी बाई चांस खुलने का डर हो या फिर निकलने का हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पहननी है, तो आप इस तरीके से यहाँ सेफ्टी पिन अंदर की साइड से लगा सकते हो। उसके बाद अभी हम चलते हैं पल्लू पे। तो यहाँ पे मैं पल्लू को सेट करूँगी, फ्री पल्लू में मैं यहाँ पे पहनने जा रही हूँ साड़ी को। तो मोस्टली जो जो ये वाली साड़ियाँ होती हैं ना नेट की, तो ना इसमें क्या होता है कि नेट की साड़ी में ना फ्री पल्लू में ही थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है। तो आपको क्या होता है कि आपकी कभी कभी आपको दिखाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता अपना टमी, या फिर निकला हुआ है, मोटा पेट है, तो उनको ऑकवर्ड लगता है। तो मैं आपको वही बताऊँगी किस तरीके से आपको हाइड करना है। यहाँ पर मैंने पीछे की साइड में एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है इस पल्लू को, तो ये अभी आगे की साइड में खिसक के नहीं आएगा, लदकेगा नहीं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्रंट पे, अभी आपको क्या करना है, हैंड पेस वाली जो फैब्रिक है इसको लेना है, उसके बाद छोटी छोटी आपको प्लीट्स में इसको गैदर करना है। बहुत छोटी छोटी प्लीट्स में इसको मैं गैदर करूँगी, और अपने ब्लाउज़ के बराबर मैं लेबल में ले जाऊँगी इसको, इस तरीके से खींच के। यहाँ आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ से हमारी जो फिटिंग है ना, वो बहुत अच्छे से आ जाएगी, और जो हमारा नाभि का एरिया है, नेवल है और टमी है, ये थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, तो उससे ना आपका टमी दिखेगा नहीं। बहुत ज़्यादा अकवर्डनेस लगती है बहुत गर्ल्स को, सो उनके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है, आप इसको देख के पहन सकती हो और आपको नेट की साड़ी पहननी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्लाउज के अंदर से मैं फैब्रिक को लेकर अंदर से टक कर दूँगी, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी। तो यहाँ क्या है, अभी आप फ्रीली भी अगर आप कहीं पे डांस कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको बार बार आप सेट करना नहीं पड़ेगा, आपका जो पल्लू है गिरेगा भी नहीं, एकदम वहीं की वहीं टिका भी रहेगा। फ्री पल्लू में यही मुझे सबसे अच्छा लगता है अभी, कि मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर टक करना है, फ्री का फ्री पल्लू रहेगा और आपकी जो साड़ी है वो भी नहीं गिरेगी, और आपका जो टमी एरिया वो भी हाइट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्री पल्लू में साड़ी इस तरीके से पहनी है, अपनी टमी को छुपाते हुए, तो आप इस तरीके से पहन सकते हो। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा ये वाला लुक मेरा फ्री पल्लू में, आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। सो अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपको किस तरीके से वीडियो देखना और चाहते हो, मैं कैसी और ड्रैपिंग करूँ वीडियो की, साड़ी की ड्रैपिंग लेके आऊँ, किस तरीके से वीडियो लेके आऊँ, आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी, वो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।